बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत होंगे। तो आज ही हमारे विलेज में एक फंक्शन है जिसमें म्यूजिशियन आने वाला है, तो चलिए फिर आप उससे मिलते हैं सीधा ही वहीं पर। का मुश्किल काम आपके आसान हो जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम मैजिक शो, ये साल हर साल मैं आपके स्कूल में आता रहता हूँ। वही बट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मेरी कॉल पे लबैक करते हैं और आप एंटरटेन हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का प्रोग्राम मैजिक शो आपकी नजर करता हूँ और आपने खामोशी से आराम के साथ बैठ कर ये प्रोग्राम एंजॉय करना है। तो सब अल्लाह को याद करेंगे, या अल्लाह खैर, आवाज नहीं है, या अल्लाह खैर। कोई भी काम शुरू करें अल्लाह को जरूर याद रखें। तो आइए, हमने आपको दिखाना कुछ है, बताना कुछ है, ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है। मेरे पास एक रुमाल, इसका कलर है ग्रीन। कौन सा? ग्रीन। आप जितनी तेज तालियां बजाएंगे कलर चेंज कर जाएगा। शाबाश, देखते हैं। ये जी, इसका कलर चेंज हो गया। जैसे इसको इशारा दिया, हमारे पास एक कलरफुल सा रुमाल और एक कलरफुल सा अम्ब्रेला भी आ चुका है। तालियां बजाइएगा। हाँ जी, तो ये है अम्ब्रेला। क्या है? आवाज नहीं आ रही। लेला नहीं, ये पीली टायर कैप वाला बच्चा कह रहा है लेला। लेला नहीं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेले हो गए दो। कितने हो गए? आपकी आंखों के सामने तेज बारिश हो मुझे बचाती है, धूप हो तो ये अम्ब्रेला मुझे बचाता है। इसी अम्ब्रेले को इसी जगह हम इशारा देते हैं, ये अम्ब्रेले थ्री हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। आपकी तालियां बजे। एक अम्ब्रेला। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमने आपको दिखाना कुछ है और बताना कुछ है। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, हमने आपको दिखाना कुछ है, बताना कुछ है, ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया है। आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो अभी आपकी आंखों के सामने मैंने एक सिगरेट हजार बीमारी। एक सिगरेट आपने गिनती करने, और सिगरेट आज घर में को पीता है? सिगरेट कोई नहीं पीता। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। सिगरेट नंबर वन, आप बोलेंगे वन। बहुत महंगे सिगरेट है क्यों? कितने हो गए? इधर भी लगाओ, तालियां नहीं बजा रहे। आपने भी छुपाया हुआ है। यानी जी, काफी सारे सिगरेट आप गिनती करके भूल जाएंगे कि कितने सिगरेट मैं हवा से पकड़ चुका हूँ। आप भूल जाएंगे। ये देखें, ये भी पीता है सिगरेट, मुझे पता है। तालियां। अब आपने कैच करने ये सिगरेट, ठीक है, और कैच करके एक एक घर ले जाना है, ठीक है? ओके, वन टू थ्री जो किधर पाज गए? एक ही सिगरेट था बेटा। अगर ऐसे सिगरेट बन जाए तो मैं घर बैठ के फैक्ट्री बना सकता हूँ, आप तालियां बजा सकते हैं। हाँ जी,
को शो नहीं करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे? आइए, ये सिगरेट जो कि मैं आपको दिखा रहा था, एक सिगरेट हजार बीमारी। आप तक मैंने सिगरेट क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि आप ले जाते रास्ते में, आपका दिल करता आप सिगरेट पीते, फिर आपको बीमारियां लग जाती। ठीक है, मैंने 16-17 साल सिगरेट पिया, लेकिन मुझे कैंसर की बीमारी लगी है। मैंने 2015 में सिगरेट छोड़ दिए। 9 साल हो गए हैं मुझे सिगरेट छोड़े हुए, अब मुझे तलब नहीं होती। तो बड़े अरसे के बाद ये आइटम पेश कर रहा हूँ, आपने देखना है गौर से। ये है सिगरेट, क्या है? आग लगी है। सिगरेट जल रहा है या नहीं? आवाज नहीं आ रही। कौन आएगा मेरे पास जो इस मुहिम को आगे चलाए? चलो आप आए बेटा। ठीक है, आपने सिगरेट नहीं पीना, क्या नहीं पीना? हाँ जी, सिगरेट नहीं पीना आपने। ठीक है, पियेंगे आप सिगरेट कभी जिंदगी में? लाइफ में दिल करे तो सिगरेट पियेंगे? कहे मैं जिंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, बोले बच्चों के सामने, जिंदगी में कभी भी सिगरेट? ठीक है, इधर आ जाए आप। बहुत मेहरबानी, आपने एक वादा किया और आज से एक बच्चा सुधर गया जो कि सिगरेट नहीं पिएगा। एक सिगरेट हजार बीमारी। सर वही साहब, ये सिगरेट पीने वाला बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जवानी में मर जाता है। आग लगी हुई है या नहीं? पिएंगे तो नहीं? चलो ठीक है, आपका इलाज ये है। आपका नाक तो नहीं जला बेटा? परेशान तो नहीं है? ये बच्चे समझ रहे हैं आपका नाक जल गया, एक बच्चा तो परेशान बैठा है कि नाक जल गया अंकल का। बैठे जोर से तालियां बजाएं। हाँ जी, तो अभी जलेगी आप, क्या जलेगी? ये बेटा कुछ आइटम साइंस पर मबनी होते हैं, जादू नहीं होता। जादू हो गए ना, मैं बैंक वालों की आंखें बंद करके और सामान समेट के अपने घर जा सकता हूँ, लेकिन ये एक आर्ट है। भी देख रहे ये ना जी, तो इसके ऊपर डाला है पेट्रोल, क्या डाला है? आग और पानी को लिहाज नहीं होती, आग जलाती है पानी बुझाता है। ये आग आपकी आंखों के सामने इसमें लगी, इसको घुमाया ऐसे, 2, ये 3, जैसे इशारा देते हैं कोई आग नहीं। यहाँ पर है एक फ्लावर, क्या आ गया है? नजर आ रहे हैं सबको? साइंस पर मबनी आइटम अभी आपको हम दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, साइंस में क्या तरक्की की है आप जरा गौर से बोले अल्लाह फरमाएंगे। मैं बोल के ला दी, ठीक है? ओके जी, या अल्लाह खैर, सब बोले या अल्लाह खैर, जोर से बोले या अल्लाह खैर। यानी जी, पानी का रंग बताएंगे कौन सा है? आवाज नहीं आ रही। लहू का और पानी का रंग एक ही होता है। इंसान जितने भी हैं उसे काटेंगे, जानवर जितने भी काटेंगे, खून लाल रंग का निकलेगा और कोई कलर का नहीं। और पानी जमीन में से जब भी निकाला जाएगा रंगीन नहीं निकलेगा, सफेद निकलेगा। कौन सा कलर निकलेगा? सफेद। हाँ जी, तो ये है पानी, कौन सा कलर है? सफेद कलर। कौन सा? आवाज नहीं आ रही। सफेद कलर का पानी आपकी आंखों के सामने मैं डाल रहा हूँ एक कप में। किसमें डाल रहा हूँ? एक कप है, इसके अंदर ये सफेद कलर का पानी आपकी आंखों के सामने मैं हाँ जी, ये सफेद कलर का पानी आपकी आंखों के सामने दूसरे आपकी आंखों के सामने मैंने सफेद कलर हाँ जी, तो ये है चैनक, इसमें पानी आपके सामने डाला था, इसका कलर था सफेद, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज पड़ी है। ठीक है, जिसे देखकर हमें जज्बा पैदा होता है, क्या है? पाकिस्तान। ये है हमारा कौमी परचम। कौन सा परचम? कौमी परचम। इसको रखते हैं इधर। इधर रखने के बाद प्यारे बच्चों, आपके सामने इस चैनक से मैं हाथ आर पार करने की कोशिश करूंगा। ये इसका लॉक हटाता हूँ, हटाने के बाद इसके अंदर से हाथ भी आर पार कर देता हूँ और पानी भी आता रहा इसके अंदर से। और हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये चैनक को हाथ मैंने डाला और हाथ को ऐसे बाहर निकालते हैं, ऐसे आराम के साथ।
ये कई दफा हाथ फंस जाता है और ये इसका ये फिर लाख लगा के, लाख लगाने के बाद प्यारे बच्चों ये पानी है रेड कलर, कौन सा कलर? आवाज नहीं आ रही, कौन सा? किसने डाला? और फिर से एक और रेड कलर का पानी किसने डाला? चैनक में। और ये हल्का सा ब्राउन, कौन सा कलर? ब्राउन कलर, ये भी इसमें डाला। इसमें डालने के बाद प्यारे बच्चों ये इसको मिक्स करते हैं, क्या करते हैं? और अभी आप देखेंगे कि ये पानी इसके अंदर से फिर भी सफेद आ रहा है, कलरफुल पानी भी डाला, लेकिन ये था एक फन आज आपको दिखाया। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ एक और अच्छा और खूबसूरत सा फन। जोर से सब बोलेंगे या अल्लाह खैर, आवाज नहीं आ रही। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टिक, क्या दिखाता हूँ? स्टिक। ये स्टिक को आप देखेंगे, ये स्टिक है, ये स्टिक को ऐसे दिखाया। दिखाने के बाद प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक कप है, इस कप को स्टिक के ऊपर ऐसे घुमाते हैं और जितनी देर भी घुमाएंगे ये घूमता रहेगा। इसको ऐसे दिखाया, दिखाने के बाद प्यारे बच्चों इसको खड़ा करते हैं इधर और मैजिक का इशारा देते हैं, 1 2 3 गो। यहाँ पर है एक फूल, क्या आया है? फूल। तो तालियां बजाइएगा इस फूल की। एक टीचर को दावत देता हूँ, किसको दावत देता हूँ? टीचर। एक कोई भी आप इधर स्टेज पर आ जाए सर, कोई भी टीचर आ जाए, एक्टिव सर टीचर हो, जो के ये बच्चे बाबू साहब चले जाए, चले साहब। ये मैंने गिरा लगा दी है ऊपर, ये पकड़ के देखें, खुलती तो नहीं है गिरा। कुछ लोग है ना बाद में कहते हैं कि गिरा खुल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे रिंग को देखें मजबूत है सर, कहीं से मैग्नेट या कोई ऐसा चक्कर हो तो आप मेरा लिहाज नहीं करेंगे, आप बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है सर? ये सीजर है, कैंची है आपके पास है, और ये रिंग मुझे दे देंगे। ये रिंग सिंगल है, गौर से देखिए कौन सा है। इसको करते हैं डबल, और सही तो रहमान साहब। ओके सर, ये छोटा रिंग हो गया ताकि बच्चों को और सबको नजर आए। आपने पता क्या करना है सर जी, सईदुर रहमान साहब इस रस्सी को काट देना है, ठीक है? इस रस्सी को पकड़ के काट देना है। हाँ काट दे, फिर कब काटेंगे? जब टाइम निकल जाएगा। इस रस्सी को एक को काटना है, दो को नहीं काटना, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। सर ये क्या कर दिया आपने? मैं कह भी रहा हूँ कि एक रस्सी काट दे, ये गिरा को भी काट दे, थोड़ा सा सिरा ये गिरा। हाँ बिल्कुल सिरे के साथ, हाँ काट दें जी, बड़ी मेहरबानी, आपने तो दोनों ही नुकसान कर दिया है। चलो गलती इंसानों से होती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लेट बता सकता हूँ। ये रस्सी पकड़ लें सर, ये काट पाए आपने? पक्की बात है, ऐसे लपेट लें इसको। हाँ ऐसे रस्सी को आपने खुद काटा है। आपके सामने ना हाथ आगे ना हाथ को पीछे। आप सर सईदुर रहमान साहब इसको बीच में से यू बनाए जो उसे काट दे। ये जी, हाँ जी काट दे, बड़ी मेहरबानी। अब मैं देख के ध्यान से काम करूंगा, पहले मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन ये रस्सी अब कटी है, अभी थोड़ी गलती फिर हो गई है। ये रस्सी के सिरे बराबर नहीं है सर, ये ऊपर से मैं बराबर कर लेता हूँ, बिल्कुल लेवल में है या नहीं? सर सईदुर रहमान साहब इसको खींच के बराबर करके काट देंगे, थोड़ा सा बराबर काट दें, थोड़ा सा। हाँ जी काट दें। ओके
अच्छा सर, सईद रहमान साहब ने रस्सी को बराबर काटा है, गौर से। ये जी सईद रहमान साहब के लिए तालियां इन्होंने रस्सी। रस्सी छोटी होती है, बराबर कैंची को सीधा रखेंगे, बिल्कुल सही कटेगी, ठीक है। कैंच के बिल्कुल इजी तरीके से इसको बराबर काटें, बड़ी मेहरबानी आपकी, थोड़ा सा। हाँ हाँ, वेरी गुड जी, सईद रहमान साहब के लिए तालियां। आराम से बिल्कुल, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सईद साहब के लिए, जोर से। बराबर नहीं होने क्या वजह है? आप रस्सी को खुद पकड़ें, बराबर करें और फिर काटें, ठीक है सर। अब नीचे लाएं, ये ऐसे शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है। वेरी गुड सईद साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं। सर शादी तो नहीं नहीं हुई, जितनी रस्सी सही नहीं कट रही आप। वेरी गुड सईद रहमान साहब के लिए जोर से क्लैप होनी चाहिए। जो बच्चा किसी का अदब ना करे आपने उसके ऊपर फूंक मार के उसे बकरी बना देना, ठीक है। पढ़े अडेबरा कडेबरा, 1 2 3 ऐसे इशारा दे, फूंक लगा दे इसके ऊपर ऐसे। अगर सईद साहब काम से, अभी नहीं सर आपने सही नहीं पढ़ा, दोबारा से पढ़ेंगे, अडेबरा कडेबरा, 1 2 3 फूंक लगा दे ऐसे। ये ले जी आप सईद रहमान साहब, मैजिक से सईद रहमान साहब के लिए तालियां। बहुत मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर साल कुछ आइटम नए लाऊं और आपके एंटरटेन के लिए ये आइटम पेश करूं। हाँ जी, आप ऐसे करें, इसे सुनिए, बताएं कैसी खुशबू आ रही है। आप पीछे हट जाइए, कैसी खुशबू आ रही है। अच्छा मेरे घर खुद बता रही होनी है ये। आंखों में आंसू आ गए ये। आप सुनिए कैसी खुशबू आ रही है, पकौड़ों की आ रही है, पकौड़े आपको आ रही है, इसको पकौड़ों की खुशबू आ रही है, आपको किसकी आ रही है, फूल की, कौन से फूल की बताएं, गुलाब की, कली की, चमेली की, किसकी खुशबू आती है, टमाटर की। एक बच्चा कह रहा है टमाटर नहीं। हाँ जी, कौन सी खुशबू आती है, नहीं आ रही खुशबू, नहीं आ रही। ये ना जी, ये इसको खुशबू नहीं आ रही, लेकिन इसके पास मेरा एक रेड कलर का फूल है, उसे पकड़ते हैं। हाँ जी बोले, 1 2 3 गो जो शख्स किसी का अदब नहीं करता उसका अदब कोई नहीं करता। ये जी, ये धागा इससे निकला है, इस धागे को सब बोले इधर रहे। हाँ जी, ये आपका कहा मानेगा,
सीढ़ी पे आ लेकिन बच्चे जब कहानी मानते मार खाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रस्सी और रस्सी के लिए एक बड़ा बच्चा आएगा मेरे पास, बड़ा बच्चा कौन है? आजे भाई, आप आए भाई, इसको भेजो। ये कहाँ से सीखी है, कहाँ से करवाई है? खींच कर देखे रस्सी को, मेरा ये बड़ा बेटा था, इससे दो बड़े बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, माशाल्लाह मेरे 8 बच्चे थे, अब 6 हैं। रस्सी मजबूत है, दो बनाए, छिक करने वाली है, पतली है रस्सी, टूटी तो नहीं, पुली तो नहीं, ये नहीं पता, जोर लगाएं। जोर लगाए, पक्का रस्सी एकदम छोड़ो, जब मैं ये रस्सी खींचने का मकसद ये, आपको कोई शक ना रहे, गिरा तो नहीं खुली, कहीं से टूटी हुई रस्सी नहीं है, आपकी आंखों के सामने है। एक रस्सी और दे दो, ये ना जी, ये येलो रस्सी और ये रेड रस्सी, इसको जैसे इशारा देते हैं, रस्सी खुली तो नहीं है, लेकिन इसको मैजिक हमने किया है, क्या किया है? मैजिक, ये आपस में जुड़ गए। ये जी रस्सी की गिरा वैसे लगी हुई है, लेकिन ये रस्सी आपस में जुड़ चुकी है, आपकी आंखों के सामने है, आपके देखते ही देखते ये फन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसको जैसे इशारा देते हैं, ये इधर है और ये, ये है जी फन, आर्ट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्ट। इसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको दिखाएंगे एक और अच्छा और खूबसूरत सा फन, और आप, मैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब को दावत दूंगा, वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मुझे इधर इंट्रोड्यूस करवाने वाले सर वहीद साहब हैं, 32 साल पहले, तालियां इनके लिए। शुक्रिया। और ये हमारे पास एक डब्बा, क्या है? डब्बा। और डब्बे के साथ साथ प्यारे बच्चों, ये आपके स्कूल के कुछ पत्ते लिए, इन पत्तों को आपके आंखों के सामने, इन पत्तों का, पौधों का खास ख्याल रखा करें, ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। ये पत्ते आपको नजर आ रहे हैं इसमें जी, इन पत्तों को मैं लगाऊंगा, आग आग जला देती है, पानी बुझा देता है, ये मैं नहीं कह रहा, सबको पता होना चाहिए। अभी मैं मुनीर साहब के पास शो करके आ रहा हूँ, मल्लू में मेहरबान शाह साहब के पास मैंने पिछले साल शो किया था, वो रिटायर हो गए, लेकिन जब शेर साहब है वहाँ पर, उनको मैं प्रोग्राम दिखा चुका हूँ। भाई ये आग जल रही है पत्तों को, क्या लग रही है? आवाज नहीं आ रही, आग। सर वहीद साहब, ये आग जल रही है, इसमें पत्तों को आग लग रही है, जैसे इस आग को बंद करते हैं, आग यहाँ पर बंद होती है, हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। इसे बोलते हैं अडेबरा, कडेबरा, 1 2 3 गो। ये ले जी, उन पत्तों की राख बन गई है, क्या बन गई है? राख। वो राख मैं वहीद साहब के ऊपर डाल दूं, आप नाराज होंगे या खुश? नाराज हो। कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर खुले गुलजार होता है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। ये ले जी,
गुलाब के फूल हैं, तो आपके जरा नवाजी है कि आप बड़े आराम से बैठे हैं, आप सब कुछ बैठ कर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। शो अच्छा लग रहा है जी। आइए, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ सर, आप किसको बुला रहे हैं नाम बता दें सर। नहीं ठीक चल रहा है ऐसे बंदे बंदे के घर जाकर वोट मांगते हैं और जब वोट ले लेते हैं जीत जाते हैं तो नजर ऐसे जैसे भेड़ होती है ना उसके सर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई, नेक्स्ट इलेक्शन मैं लड़ूंगा, आप मुझे वोट देंगे। आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज नहीं है, बेच में छुरी वाले बैठे हैं, मेरा ख्याल है मुझे हराना चाहते हैं। वोट देंगे अगर मुझे वोट देकर कामयाब कर दिया तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे काम करूंगा। सबसे पहले ये स्कूल बंद करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी ये रोड गलियां शलियां सब फाड़ के रख दूंगा। वोट देंगे मुझे, सच्चा बंदा हूँ, मुंह से बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ वो पूरी करूंगा। आपके लिए इधर एक स्विमिंग पूल बना दूंगा। वेरी गुड। सर्दी नहीं होगा, स्कूल होगा बेटा। ठीक है, ऐसे झूठे वादे हर बंदा कर लेता है लेकिन वादा कोई कोई पूरा करता है। प्यारे बच्चों, बाथरूम में भी बैठा हूँ ना और घंटी बज जाए अजीब कैफियत हो जाती है। हेलो, मैं खाना हुआ। ये फोन बड़ा अच्छा भी है, इसका फायदा बहुत है, लेकिन आप प्यारे प्यारे फूल क्या है, प्यारे प्यारे फूल हमारे प्यारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे सामने बैठा है, इसको आग लगी, इशारा दिया आप फूल हैं तो यहाँ पर भी एक प्यारा सा फूल है। अगर फूलों के आइटम शुरू कर ले तो फूलों के आइटम पर मैं अपना मैजिक शो खत्म कर सकता हूँ। तो आइए, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, कितना अच्छा, तालियां बजाकर बताइए। पाकिस्तान में इससे मैं जाना जाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये एक न्यूज़पेपर है,
चाइनीज अखबार है, चाइनीज अखबार पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है और चाइनीज जबान भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाक पीना करना पड़ता है। बस ऐसे करके आप बोल सकते हैं, कोई ना कोई अल्फाज बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये है अखबार। क्या है? अखबार। और ये किस्सा मेरा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और इसके आइटम को मैंने इजाद खुद किया है और मैंने इसको तरतीब भी खुद दिया है। तो प्यारे बच्चों, अखबार आपकी आंखों के सामने, खाली अखबार मैंने आपको पहले दिखाया और अब भी मैं आपको ये अखबार खाली दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? एक दफा मैंने एक शुगल किया एक बंदे के साथ, होटल वाले को जाकर कहा कि दूध दे दो। उसने कहा किस में? मैंने कहा अखबार में। उसने पैसे नहीं पूछे, दूध जल्दी से अखबार में ऐसे डाल दिया। जब उसने अखबार में दूध डाल दिया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैं चल पड़ा दुकानदार, कहते पैसे। दुकानदार कहता अंदर से खोलो, मैंने पैसे किसी को नहीं छोड़े। मैंने कहा आपने छोड़े नहीं, मैंने दिए नहीं। मैं चल पड़ा। दुकानदार कहता है पैसे। मैंने कहा कैसे? वो कहता है मैंने आपको दूध दिया है। मैंने कहा मैंने लिया ही नहीं है। कहता अल्लाह की कसम मैंने अपने हाथ से डाला है। मैंने कहा हाथ से आपने अगर दूध डाला है तो निकलता ये खाली अखबार है। आप ऐसे करें, ओपन यू आर माउथ, मुंह खोलो है। ये कहा इंग्लिश में मुंह खोलो है, ठीक है। ये बताए पंजाब के सूबे कितने हैं? मुंह बंद करके आपने नहीं बोला। पंजाब के सूबे कितने हैं? पांच। फिर सोचे पंजाब के सूबे, दूसरा बोलकर बताए। आवाज आई है, पंजाब के सूबे कितने बताए? कितने? वो एक दस बनाने के चक्कर में, अगर ये वजीर आजम बन गया ना तो इस वैसा को भी सूबा बनाएगा ये। बेटा पंजाब एक गुप्त सूबा है, उसका कोई सूबा नहीं। अब करेंगे जी, ओपन योर माउथ, मुंह खोले। दुकानदार को कहा मुंह खोले, उसने खोला मुंह और मैंने कहा सर जो दूध आपसे लिया है कहीं भी नहीं गया इसने। आया जो दूध पिया मीठा था फीका? आवाज नहीं आई। थैंक यू, आप जा सकते हैं। हालांकि इसको पानी पिलाए, ये कह रहे दूध पीका था, तो फिर भी आप तालियां नहीं बजा रहे। क्योंकि ये हमारी फनकारी होती है। ये लोहे के रिंग गिनती करें जी। ताकतवर बच्चा कौन है? आप जोर लगाते रहेंगे, इसको ये इनको अलग निकालें, जोर लगाएं निकल जाएंगे। अकल भी दौड़ा सकते हैं। कहता है लंबा बंदा होता है ना उसकी अकल गिटों में होती है और मोटा बंदा होता है उसका दिमाग बिल्कुल ठीक होता है। पक्का है? ओके, ये पकड़े, इसको चेक किया आपने, इसको चेक करेंगे। जोर लगा कर देखे ना ऐसे, ये ऐसे पकड़े, जोर लगाए। पक्का है? ये लें, एक रिंग मुझे दे दे। ये लें जी, ये रिंग आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये चेक कराने का मकसद ये ताकि आपको कोई शक ना लगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि रिंग टूटे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको चेक कराया ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन आपके देखते ही देखते रिंग जुड़ते जाते हैं। ये ना जी, इसको ऐसे और इसको भी चेक कर लें, पक्का है टूटा हुआ नहीं। इसको इशारा दिया, सब रिंग आपस में जुड़ चुके हैं। एक इशारा देने पर सबके सब रिंग एक रिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये रिंग जुड़ सकते हैं तो इनको मैं बाहर निकालना भी जानता हूं, क्योंकि मैंने अपने उस्तादों की इज्जत की है और जो शख्स अपने उस्ताद की, अपने से बड़े की इज्जत करता है वो कामयाब होता है। निकलते नहीं है, जोर लगाया है।
अब की बात है, ये सिर्फ ऐसे करते ही ऐसे निकलते हैं। किसी को ताज सुल्तान नहीं, किसी को ठीक दर्दा दे। मैंने बोला तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। आपने शुरू में देखा होगा कि मैंने एक रुमाल को हिलाया था, उसका कलर चेंज हो गया था, वो रुमाल और था, लेकिन ये एक टुकड़ा है उस रुमाल का। इसको उठाकर मैं इस थैले में डालूंगा। थैले का रंग ब्राउन है और इसका कलर तीन चार कलर है, आपकी आंखों के सामने है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने दिखाना कुछ है, बताना कुछ है, ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है। आप अपने टीचर की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, अल्लाह ताला आपको पढ़ाई में कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला इस स्कूल को तरक्की अता फरमाए, या बारी ताला हमें पांच वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए, या बारी ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, या बारी ताला कश्मीरी भाइयों को आजादी अता फरमाए, या बारी ताला फलस्तीन भाइयों पे जो जालिम जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको निस्तो नबूत अता फरमाए, या बारी ताला उनकी गैब से मदद अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपके स्कूल के तमाम स्टाफ मेंबरान को तरक्की दे और सुख दे, बोले आमीन। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम सारा दिन भी लगा रहूंगा, ये होता रहेगा, लेकिन मैं वहीद भट्ट साहब का और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आपकी तफरी के लिए मुझे दावत दी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप भी बोले सर शुक्रिया, जोर से बोले शुक्रिया। चलो ठीक है, इनाम आपने जमा करा दिया, आपका बहुत शुक्रिया बेटा। 50-100 रुपए साल दो साल में खर्च कर दिया करें, ये हमारे आने का मकसद भी हल हो जाता है, बच्चों की रोजी बन जाती है और ये खर्चे भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके रिजक में इजाफा करे। जिन बच्चों ने इनाम दिया उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अभी मैं मल्लू हाई स्कूल में शो कर रहा था, उधर एक नज़ाकत लड़का था छठी क्लास का और एक रेहान था, यकीन करें छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने 500-500 रुपये अपनी तरफ से हमें इनाम दे दिया। तो इनाम बेटा खुशी से होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता। अगर और जितना आपने इनाम जमा कराया अगर और मजीद करना चाहें, असातिज़ा से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी हमारे साथ अच्छा तआवुन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इनाम पे कोई पाबंदी नहीं। ये रुमाल है चार कलर का और थैला है ब्राउन कलर का। मैं बोलूंगा पाकिस्तान, आप बोले जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो निशान है जिसे देखकर लोग अपनी जानें निसार कर देते हैं और जज्बा पैदा होता है। ये पाकिस्तानी परचम देखकर इसकी इज्जत करनी है, अपने से बड़े की इज्जत करनी है, नमाज पढ़नी है। और ये जादू नहीं समझना बेटा, और जादू होता तो मैं भैंस बना के 2-2.5 लाख की बेच देता, मैं बच्चों को ही भूख मारता। ठीक है, लेकिन ये कमाल है, ट्रिक है जो कि आपने देखा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, तकरीबन घंटा हो चुका है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर और मजीद कोई बच्चा अपनी तरफ से हौसला अफजाई करना चाहे, हाँ जी, ये कंटीन वाला हालांकि देखे प्रोग्राम भी नहीं देखा, लेकिन वो हमारे बच्चों का सोचा, उसने 100 रुपये इनाम भेजा, उसके लिए तालियां बजाएं। और मजीद अगर आप इनाम देना चाहें 20-30-50-100 रुपये तो दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, बहुत शुक्रिया। अगर इनाम देना चाहें तो दे सकते हैं। और आपने जादू इसको नहीं समझना, क्या नहीं समझना, जादू नहीं समझना, जादू नहीं समझना बेटा, जादू नहीं है, कमाल है, ट्रिक है जो कि आप देख चुके हैं और देख रहे थे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। अगर इजाज़त मांगना हमको गलती किसी की दिलादारी हुई है तो मैं आपसे माफ़ी।